एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक दिवाई में स्थित मऊ नगला गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 19 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 60 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ही ग्रामवासियों ने रीना देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 5500 की आबादी एवं 1836 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 424 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 182 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 24 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंप रिपोर्ट कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों व 4 लोहे आवासों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, नहर पर पुल, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं रीना देवी ग्राम प्रधान से कर रही हूँ और ब्लॉक दिवाई जिला बुलंदशहर से। मैं प्रधानपति सुरेंद्र चौधरी ग्राम पंचायत मऊ नगला विकासखंड दिवाई तहसील दिवाई जिला बुलंदशहर निवासी। हमने अपने गांव में सारे गांव में इंटरलॉकिंग कार, खड़ंजा कार, हेडपम्पों की मरम्मत, 4 लोही आवासों का निर्माण और लाइटों की मरम्मत कार्य आदि कराए गए हैं। हमारे गांव में सफाई कार्य करवाए गए हैं और हमारे गांव में पंचायत घर का नहीं है, उसके निर्माण के लिए मांग की गई है और बारात घर नहीं है, उसके निर्माण के बारे में मांग की गई है और 15 प्रधानमंत्री आवासों की मांग की गई है। एक गांव के निकास के लिए नरोड़ा जाने के लिए रास्ते में पुल की आवश्यकता है, उसकी मांग की गई है और बाकी कार्य सब ठीक ठाक है हमारे गांव में।